बोटी है, और मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा आपको। भाई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया, बहुत ही मज़ेदार। और ये आजकल कराची में बड़े फेमस है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आजकल कराची में ज़रा मशहूर हो गए हैं बन्नू के पुलाव, तो हमने सोचा आपके लिए उसकी रेसिपी भी ले आए। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिया, ये तकरीबन 3 मीडियम प्याज हैं, और 4 से 5 मिनट टमाटर है, और ये गोश्त ले लिया तकरीबन जो है वो ये 1.5 किलो गोश्त है, और बाकी नलियाँ, ये देखिए नली भी जाएगी अंदर, और गोश्त को आपने इस तरह इस पीस में ले लेना है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पीस में गोश्त जाएगा, इसमें बड़े पीस नहीं जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे, और ये पकेगा। उसके अलावा ये हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें। और ये नमक ले लिया मैंने, ये दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये आपका गरम मसाला है। गरम मसाले में क्या क्या जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस ये डलेगा इसमें। तो आज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें मैं घी डाल दूंगा, घी में बनेगा ये गाइस। तो इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप घी ले लिया, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो है प्याज डाल दूंगा। अब मैं इसमें ये जो प्याज है ये चली जाएगी अंदर। तो प्याज को जो है आपको डार्क ब्राउन करना है। जब प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना दही जाएगा ना और कुछ जाएगा, सिर्फ टमाटर और प्याज में ये बनेगा। जब प्याज टमाटर हो जाएगी फिर इसमें गोश्त बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गोश्त को कुकर में बॉईल करते हुए डाल देते हैं, फिर उसमें वो वाला मज़ा नहीं आता जो ओरिजिनल रेसिपी का मज़ा आता है, क्योंकि उसका जूस सही से निकल नहीं पाता। और इसमें ये देखें हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे और चलाते, इस टाइम पे चलाते रहना है ताकि प्याज जले ना, और फ्लेम भी मीडियम पे रखना है, क्योंकि प्याज और टमाटर का ही कलर आता है बन्नू की जो पुलाव होते हैं उसमें, जो उसका कलर हल्का येलोइश कलर का होता है, वो कोई कलर उसमें नहीं आता, इसी का कलर आता है प्याज से हमें। ये देखो ये तकरीबन हमारे डार्क ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगा। मैं ढक दूंगा, ढक के बनाऊंगा, तकरीबन 10 मिनट इसको ढक के पकाऊंगा। 10 मिनट बाद फिर आपको देखते हैं, अब देख लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये हमारे टमाटर तकरीबन गल गए हैं, गल रहे हैं, इसको इस तरह पेस्ट बनाएंगे गर्म रखने से। तो पकाएंगे तब तक जब तक पेस्ट ना बने। हाँ जी, ये हो रहा है। अच्छा, टाइम टू टाइम पानी डालते रहना है आपको, ताकि पानी डालेंगे तो इसका पेस्ट बनेगा ना, हमें पेस्ट बनाना है। देखिए आप देख लेते हैं जी। ओहो, ये तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया है, और ये देखें भाई, ये मसाला फूली, देखें बिल्कुल, ये अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो बिल्कुल ये मसाला ऐसा हो गया। ये देखिए डाल दूंगा एक कुटी में 1.5 टेबल स्पून लिए, ये डाल दूंगा इसमें, और ये सॉल्ट, तो ये पानी में हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, तो इसी वक्त ये सॉल्ट डाल दूंगा। अब इसको फिर अच्छी तरह चला देंगे। इसको भी थोड़ा सा मिला लेना है 10 मिनट तक, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इंशाल्लाह गोश्त ऐड करेंगे। अब ये देखें, ये हमारा मसाला जो बन गया है, अभी इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डालूंगा,
अब इस पानी में जब बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें गोश्त डाल दूंगा। इसको मैं ढक दूंगा, उसमें जब बॉयल आएगा फिर मैं गोश्त डाल दूंगा। हाँ जी गाइस, अब उठाकर देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखें बॉयल आ गया है। अब इसमें वन बाय वन करके गोश्त डाल देंगे। पहले मैं ये देखें ये नली डाल दूंगा अंदर। अब उसके बाद ये सारा गोश्त इसमें मैं डाल दूंगा। अच्छा, गोश्त जो है आप कोशिश करें कि चर्बी वाला गोश्त लें, फिर ये बड़ा जबरदस्त बनता है। ये और गोश्त के पीस ऐसे करवाने हैं, इतने ये लेके इतने बड़े गोश्त के पीस होंगे। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, तब तक गोश्त गल ना जाए। और इसमें भी यही चलाएंगे ताकि गोश्त भी हल्का हल्का जो नहीं है मैश हो जाए, हल्का हल्का, यानी कि बोटियां छोटी से और छोटी बोटियां होती रहे। यही जो है बन्नू के जो पुलाव होते हैं उसका मजा होता है ये इस तरह। अभी इसमें हमने सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, बाकी कुछ शामिल नहीं किया। गार्लिक डालूंगा इस स्टेज पे 2 टेबल स्पून। ये देखिए, और इसको बॉईल आने के बाद मैं ढक दूंगा। इसका नलियों का सारा जूस निकलना चाहिए, इतनी देर पकाना है हमें इसको, फिर मजा आएगा। अब इसको ढक के बॉयल आने के बाद मीडियम आंच कर दूंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं इसको तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा पकाऊंगा। ये देखिए गाइस, बॉयल आ गया इसमें। ये देखिए लगे, अब मैं इसकी आंच मीडियम कर दूंगा और इसको 1 से 1.5 घंटे ढक के पकाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए, और अब मैं इसका कैप हटा के देख लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। और पहले मैं गोश्त चेक कर लेता हूँ, गोश्त हमारा गल गया कि नहीं। गोश्त देखें बिल्कुल गल गया है, देख रहे बिल्कुल टूट रहा है। तो अब इस स्टेज पे ये देख लेंगे हमारी नलियाँ खाली हो गई है कि नहीं। देखिए नली भी हमारी खाली हो गई है, तो मैं वन बाय वन करके नलियाँ सारी निकालूंगा, क्योंकि चावल डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो इसमें से मैं नलियाँ निकाल के ये निकाल दूंगा इसमें से, ताकि हमारे चावल टूटे। गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके से गल गया है, और अब मैं इसमें जो है वो गरम मसाला डाल दूंगा। बस ये गरम मसाला की रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगा, ये अभी बना है। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च और आलू बुखारा ड्राई वो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है दोनों चीजें, जो हरी मिर्च और मैंने आलू बुखारा डाला।
थोड़ा सा हम भर के अब इसका पानी चेक कर लेंगे, इसमें कितना पानी चाहिए तुम्हें। ऊपर से पानी और डाल दो क्या, अब इसमें देखेंगे चावल डाल के कितने पानी की जरूरत है। ये मैंने चावल को तकरीबन हाफ एन आवर भिगोया है, अब अपने चावल के हिसाब से बासमती राइस लिया है मैंने, भिगो सकते हैं। ये चावल इसमें जाएंगे, तो 1.5 किलो गोश्त लिया था मैंने और 1.25 किलो चावल लिया। और अब इसको इसके साथ मिला लेंगे, ये देखें। इसकी भी टिप दे दूं मैं कि चावल पूरे पानी में डूब जाने चाहिए और तकरीबन 1 इंच आपका चम्मच अंदर डालना चाहिए, हाफ इंच, तो इसका मतलब पानी बहुत है। तो अब इसको तेज आंच पे हम पकाएंगे और जब पानी सूख जाएगा फिर इसको दम पे लगाएंगे 20 से 25 मिनट। तो मैंने आंच तेज कर दी है, हाँ जी गाई, इस स्टेज पे मैं इसकी आंच बिल्कुल मध्यम कर दूंगा, बिल्कुल धीमी, और इसको मैं ढक दूंगा कपड़ा लगा के। हाँ जी गाइस, हमारा पानी तकरीबन सूख गया है, ये देखें। अब मैं इस स्टेज पे इसको बिल्कुल आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगा, बिल्कुल दम वाली आंच, और इसको ये देखें मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है और मैं इस पे कपड़ा लगा दूंगा यूं करके, और फिर इसका ढक्कन ढक दूंगा। अब ये भाप में पकेगा तकरीबन 25 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, तो तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको, तो अब मैं इसको खोल कर देख लेता हूँ कि हमारा पुलाव रेडी है कि नहीं। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, ओहो हो, यस ठीक गाइस, ये देखें, ओहो हो, जबरदस्त। मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ओहो हो, ये देखें गाइस, बहुत ही जूसी बना है, ओहो हो, ये देखें, ये देखें क्या जबरदस्त, ये देखें, ओहो। अब मैं इसको कट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी गाइस, ये हमारे बीफ बन्नू पुलाव रेडी हैं और बहुत ही जबरदस्त बने, ये देखें गाइस, ओहो हो, क्या जबरदस्त बोटी है। और मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा आपको गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया, बहुत ही मज़ेदार, और ये आजकल कराची में बड़े फेमस है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं आगे आपके लिए ज़बरदस्त और ज़बरदस्त फेमस रेसिपीज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।